वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चल चले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रतीक सर जी का, प्रतीक सर जी मस्त बढ़िया पोज में खड़े हुए और हमारे डीकेश चौहान जी भी काफ़ी कम नहीं, पूरा अच्छे से फोटोग्राफी करते हुए। फोटोग्राफी में इनका बहुत नाम, कुछ भी फेस्टिवल में हमारे डीकेश चौहान जी हमारे फोटोग्राफर। इसी के साथ हम लोग को जो है 2 मंजिल तक का चढ़ना पड़ता है। ये हमारा 1st मंजिल जहाँ ये डायरेक्टर ऑफिस होता है और ये अभी जगह पूरा खाली लग रहा है क्योंकि हम सबसे पहले आ गए हैं। बिना खाना पीना किए हमको आना पड़ता है और यहाँ सीट बुकिंग करना पड़ता है ताकि कोई हमारी सीट पे आके ना बैठे। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसी के साथ हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए, जिसमें चढ़ते चढ़ते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उधर मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिसमें TNT और सिविल मिक्स है, जिसे P1 डिपार्टमेंट कहा जाता है, और इसी के साथ यहाँ MBA का, और यहाँ पे एक वाटर नल लगा हुआ है जहाँ से पानी पी सकते हैं हम। इसी के साथ ये S3 बायोटेक्नोलॉजी वाले जाते हैं सामने, और ये जो है हमारा क्लास, ये क्लास का स्टैंड सर का, यहाँ पे सर बैठते हैं और अपना काम काज करते हैं। और ये जो है ये कल का पढ़ाया हुआ है जिसमें गणित का सूत्र पूछा गया था। तो ये है हमारा क्लासरूम, देख सकते हो यहाँ पे गौरव जी, ऐसे व्यू दिखता है, बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं अब हम यहाँ पे अपना बालकनी पे जाते हुए, बालकनी का नज़ारा यहाँ से दिखता है। और यहाँ पे हम कैंटीन पे जाते हुए, यहाँ अमन जी, अरे कहना क्या चाहते हो?
एग्जिट पॉइंट पे जाते हुए एग्जिट पॉइंट को भी क्या बोलोगे इधर आगे बढ़ा फूड ब्लॉगर वाले। इसी के साथ ये हमारा कॉलेज कैंपस का गार्डन, यहाँ पे जो है बहुत सारे बैठने के लिए सुविधाएं दी गई हैं जिसमें झाड़ी वाड़ी लगे हैं, यहाँ पे आप अपने जोड़ीदार के साथ बैठ सकते हैं। समझ रहे हो ना ये एक फाउंटेन जहाँ जब कुछ विशेष प्रोग्राम होता है तो इसे चालू किया जाता है, अन्यथा ये बंद ही रहता है। और ये LCIT का स्कूल जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और ये गुलाब का पौधा है जिसे काट के पेंट कर दिया गया है ताकि थोड़ा सुंदर अति सुंदर दिखे, ये कुछ इस समय का। और ये गार्डन है जहाँ कुछ बगुले खड़े रहते हैं। और यहाँ पे जो है सांप को देखा गया है, 2-3 बार सांप देखा गया है। और जो है ये हमारा गार्डन वो पूरा नारियल का पेड़ जैसा दिखता हुआ एक शोपीस का पेड़, मेरे को अभी तक पता नहीं चला है कि वो क्या का पेड़ है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये हमारा बॉयस हॉस्टल जहाँ पे हम रहते हैं, उसका ब्लॉगिंग जो है हम किसी और वीडियो में दिखाएंगे आपको। यहाँ पे कुल 37 बसें हैं जिनका टोटल रेवेन्यू महीने का 20 लाख रुपया होता है। पैसा ही पैसा होगा। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और वहाँ पे वो जो घर टाइप का दिख रहा है वो हमारा कैफे है जहाँ जो अभी टेम्परेरी रूप से क्लोज्ड है, उसमें जो है खाने पीने की सामग्री जैसे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक इत्यादि मिलती है। और ये है एग्जिट गेट हमारे गार्डन का, वो जो दूर दिख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल है। और ये जो बंद है ये भी गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ गर्ल्स को काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं जबकि बॉयज़ के लिए उतनी सुविधा नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये LCIT स्कूल वालों बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे हम लोग को जाना जो है मना है। और ये हमारा कैंटीन, वो जो छप्पड़ टाइप का दिख रहा है वो हमारा कैंटीन है, वहाँ पे आज कारों की काफ़ी भीड़ लगी हुई। आज देखते हैं मेन्यू में क्या बना होगा, अभी तो कुछ फिलहाल फिक्स नहीं पता चल रहा है कि क्या बना है। इसी के साथ हमारे प्रतीक सर आगे बढ़ते हुए, उनको दूर से ही पहचाना जा सकता है क्योंकि उनकी हाइट जो है इतनी लंबी है कि आप 1 किलोमीटर दूर से भी उनका दर्शन कर सकते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, उनको जो एक बार देख लेता है दोबारा नहीं भूलता हमारे प्रतीक सर। कालू भाई फुल मौज में पूरा ले ये भाई, एक तो कैमरा में देख के हाय बोल दे, हाय बोल दे YouTube में अपलोड हो गई भाई, ब्लॉगिंग चला हाय बोल दे यार, एक बार ऐसे कर ऐसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग यार। भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। प्लीज यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए, प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। कैसा लगा मेरा मजाक?